यहाँ पर ट्रैक्टर मैंने स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएम जो है हमको बस इतना जो है। दोस्तों अभी मैं अपने खेत में आया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा शेर है महिंद्रा 265 DI और मैं यहाँ पे अपने खेतों में आया हूँ मेड़ बनाने के लिए। गेहूँ की जो है बुआई होनी है तो अभी पानी जो है लगाना है, सींचना है, इसमें छपाना है खेत को, तो उसके लिए यहाँ पे मेड़ बनानी पड़ती है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, ये एक एम्प्लीमेंट है ट्रैक्टर का जो कि इसे मेड़ मेकर कहते हैं। इससे जो है सारी मेड़ें अभी मैंने बनाई है और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये देखिए किस तरीके की ये जो है मेड़ें बनाता है, बहुत ही शानदार मेड़ें बनाता है, बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। सब लाइनें इधर देखिए, यहाँ पर ये सारी लाइनें मैंने इसी से बनाई है और अभी मैं आपको इसको जो चला के दिखाऊंगा किस तरीके से ये मेड़ बनाता है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ कठिन इसमें नहीं है, बहुत ही सरल है। दो प्लेटें यहाँ पर ये लगी हुई हैं, एक ये है और ये है, दोनों को जो है और ऐसे ये बंधा हुआ है। ट्रैक्टर को बहुत आराम आराम से चलाना पड़ता है, आराम आराम से चलाते जाएँगे आप तो ये माटी इकट्ठा करके बीच में एक लाइन की तरह माटी छोड़ता चला जाएगा और ये मेड़ बनती चली जाएगी। दोस्तों अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको और फिर मैं दिखाता हूँ कैसे जो है कि बनती है मेड़। तो मैं अपने ट्रैक्टर पर चढ़ जाता हूँ और ट्रैक्टर को कर लेता हूँ स्टार्ट। यहाँ पर ट्रैक्टर मैंने स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएम जो है हमको बस इतना जो है 12 RPM हम कर लेना हो। और यहाँ पे गियर देख सकते हैं आप जो है, यहाँ पे पहला गियर मैंने डाल दिया है और ये सेटिंग यहाँ पे मैंने करके रखी है यहाँ पे हाइड्रोलिक की, तो इतने पे जो है इसको चलाना रहता है। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। दोस्तों अभी आपने देखा इस तरीके से मेड़ बनती है, वो रहा मेड़ मेकर। और दोस्तों अभी मैं आपको इसकी लाइनें दिखाता हूँ कि किस तरीके कितनी सीधी लाइनें बनती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए कितनी गजब की कितनी शानदार सीधी लाइनें और बहुत अच्छी मेड़ बनती है, देखने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोस्तों काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देता है ये खेतों में है। और दोस्तों क्या इस इम्प्लीमेंट के बारे में आपको पहले से पता था या नहीं पता था, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी ही वीडियो डालते रहते हैं।